ये 10 जनवरी 1964 का प्रातः क्लास। बाप बैठकर समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। बैठकर समझाते हैं नेताओं की तरह खड़े होकर नहीं समझाते। माना कोई मुकर्रर रथ में बैठकर समझाते हैं, प्रवेश कर समझाते हैं ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। क्योंकि ये तो बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भक्ति से दुर्गति होती है और भक्ति सतयुग में नहीं होती है, इसलिए सतयुग में दुर्गति भी नहीं होती है। दुर्गति माने दो, माने दुष्ट गति, दुख की गति। क्योंकि सतयुग में न भक्ति होती है न दुर्मति होती है, न आत्मा की दुर्गति और न शरीर की दुर्गति। और फिर ज्ञान भी सतयुग में नहीं होता है। वहां ज्ञान मिलता ही नहीं है। सतयुग में न कृष्ण भक्ति करते हैं और न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही किसको ज्ञान देना। उसका ही नाम बहुत ऊंच रख दिया है। किसका बहुत ऊंचा नाम किसका रख दिया है? क्योंकि गाया जाता है ना कि मुरली तेरी में जादू। अब जादू क्या है? कोई तो जादू होगा ना। खाली मुरली बजाना ये कोई जादू नहीं है। काठ की मुरली बजाना ये कोई जादू नहीं है। ये तो बहुत ही फकीर लोग भी बजाते हैं। बांस की मुरली बजाते हैं ना। नहीं, ये तो कुछ गायन ही और है। और काठ की मुरली बजाना ये कोई जादू नहीं है। कृष्ण को तो कहा ही जाता है कि उसमें ज्ञान का जादू है। अज्ञान तो कोई जादू नहीं है। कोई जादू कहेंगे नहीं? नहीं, यह मुरली को
को ही जादू कहते हैं। फिर भी मनुष्य हिर गए हैं कि ये कृष्ण ही मुरली बजाता था। मुरली की तो कृष्ण के लिए बहुत ही महिमा गाते हैं। और बाप कहते हैं कि श्री कृष्ण जो देवता था और फिर कृष्ण जो मनुष्य भी था, क्योंकि बाप ने समझाया है कि मानुष से देवता, फिर देवता से मनुष्य, ये तो होता रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है और मनुष्य सृष्टि भी होती है। वो मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है उस समय तो ज्ञान का वर्षा मिला हुआ है, वहां कभी भी भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है द्वापर से लेकर के। जहां से द्वैतवादी युग शुरू होता है, द्वैत माना क्या? दो मतें, दो धर्म, दो राज्य, दो कुल, दो दो भाषाएं, जब मनुष्य देवता, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता तो फिर देवता से मनुष्य भी तो बनते होंगे। तो मनुष्य को हमेशा विकारी कहा जाता है। क्यों है? मनुष्य माने मन वाला, मन चालू ही रहता है, चलाए मान ही रहता है। और देवताओं का मन चलाए मान नहीं होता है, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता है। मनुष्य को हमेशा विकारी कहा जाता है। विकारी माना ही विपरीत कार्य करने वाला। श्रीमत के बरखिलाफ ही कार्य करते रहते हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है। और देवताएं तो विपरीत बुद्धि का कार्य नहीं करते हैं, सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। मन के चलायमान होने की बात ही नहीं। तो देवता को निर्विकारी कहा जाता है। दिव्य बुद्धि होती है ना, और ये बरोबर है कि देवताओं की सृष्टि को पवित्र ही कहते हैं। क्या? दिव्य बुद्धि की सृष्टि है ना। मनुष्यों की सृष्टि को अपवित्र कहते हैं, क्योंकि उनका मन चलाए मन रहता है। अब बताओ, ये मानवीय सृष्टि किससे होती है और दैवी सृष्टि की शुरुआत किससे होती है? कोई बताए?
मनुष्य मनुष्य किससे? मन माने ये मनोरूपी घोड़ा, शिव बाप आते हैं तो अकेले आते हैं क्या? हैं? अकेले नहीं आते हैं, तीन आत्माएं उनके साथ हैं। उनमें एक है घोड़ा, एक है बकरी और एक है शेर। परंतु मनुष्यों ने तीन शेर दिखाई दिए हैं। कहते हैं सृष्टि रूपी जंगल में एक समय में एक ही शेर काम करता है, सारे जंगल के मुखिया के रूप में। तो ये परंपरा कहां से है? संगम युग में जब बाप आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण रचे जाते हैं वो सारी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्राह्मण नौ कुरियों के ब्राह्मण होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की भक्ति मार्ग में नौ कुरियां मानी जाती हैं। उनमें दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं भी होती हैं। परंतु जब बाप आते हैं तब दिव्य बुद्धि वाले नहीं होते। हुजूम की सृष्टि होती है, 500 करोड़ मनुष्य सब मनुष्य होते हैं। उन मनुष्यों के बीच में वो दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं संघ के रंग में आ जाती हैं। उनको बाप बैठ करके फिर से देवता बनाते हैं। दिव्य बुद्धि वालों की संख्या बहुत कम होती है। और जिनका मन बहुत चलायमान होता है नंबरवार, उनकी संख्या बहुत होती है। तो बाप आते हैं तीन के साथ, एक ब्रह्मा रूपी घोड़ा भी है, एक बकरी भी है, जो भी कान पकड़ ले उसी के अंडर में आने वाली। उसी की बात सुनती है, उसी की बात मानती है, उन्हीं बातों पर चलती है। शेर कान पकड़ेगा तो शेर की तरह चलेगी, शेरनी की तरह। तो अव्यक्तवाणी में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत में वो बकरी के मानिंद देखने में नहीं आती, क्या हो जाती है? शिव की शक्ति देखने में आती है। तो देखो दो ही मुख्य शक्तियां रह गई,
एक ब्रह्मा घोड़ा कहो बैल कहो बात एक ही है, और दूसरा शेर, बाकी तीसरी तो न्यूट्रल है। दोनों में से जिसके अंदर में भी कार्य करे वैसी ही चेंज हो जाती है। परिवर्तन शक्ति बन करके दिखाती है। तो अब बताओ द्वापर से जो मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सिख आदि, उनका फाउंडेशन डालने वाला निमित्त व्यक्ति कौन है और कब फाउंडेशन डाला था? कौन है? अगर ब्रह्मा है तो ब्रह्मा ने मनुष्य सृष्टि का फाउंडेशन कब डाला? ये तो ठीक है, जब ब्रह्मा है तो त्रिदेव में से कोई दूसरा नहीं हो सकता। ब्रह्मा है तो उस समय विष्णु का पार्ट नहीं हो सकता, शंकर का पार्ट नहीं हो सकता। तो किस समय का यादगार है? मानवीय सृष्टि का फाउंडेशन डाला गया है। संगम युग तो है, संगम युग में देवताओं का भी फाउंडेशन पड़ता है, देवताओं की सृष्टि भी बनती है और मनुष्य सृष्टि का भी फाउंडेशन पड़ता है। तो संगम युग का कौन सा टाइम है जो अनेक प्रकार के धर्म वाले मनुष्यों की सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है? क्या बोला? 47-48 से बोल रहे हैं। 47-48 से, उससे पहले कौन थे, किसका फाउंडेशन था? 47-48 से पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, दस पंद्रह पेज लिखते थे और बाप लिखाते थे। तो उस समय क्या देवताओं की सृष्टि का फाउंडेशन पड़ा? है ब्राह्मण तो नौकुरियों के हो गए, उनमें ऊंचते ऊंच कुरी भी और नीचते नीच कुरी भी। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा मुखिया था, ब्रह्मा अर्थात कृष्ण बच्चे की आत्मा, बच्चा बुद्धि मुखिया था या कोई और मुखिया था जिसका नाम प्रसिद्ध है पीयू? पीयू उसके द्वारा कौन सा फाउंडेशन पड़ा? मनुष्य सृष्टि का फाउंडेशन पड़ा।
मनुष्य उन्हें कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करने वाले होते हैं, जिनकी मनसा चलाए मन रहती है। फिर उन मनुष्यों में से ही कोई मनुष्यों का ग्रुप ऐसा निकलता है जो मानुष से क्या बनते हैं, मानुष से देवता की एक रत्न लागी वार। तो यज्ञ के आदि में ही कुछ ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं निकली थी जो मनन चिंतन मंथनशील तो थे, उन्होंने सच्चाई को पकड़ा तो था, परंतु उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। मनन चिंतन रूपी सागर मंथन का अमृत नहीं निकला था। परिपक्व ज्ञान न होने के कारण उन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माओं का मुखिया भी फेल हो गया और उसको फॉलो करने वाली आत्माएं भी फेल हो गई। तो मुरली में आता है राम फेल हो गया, कभी ये नहीं आता है राम फेल हो जाएगा। या राम फेल हो रहा है, फेल हो गया माना पास्ट में फेल हो गया। मुरली में ही कारण बताया क्यों फेल हो गया, क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए फेल हो गया। ये भी बताया जो आत्माएं खासकर ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मणत्व में शरीर छोड़ती है, वो दोबारा जन्म लेकर के अपने पूर्व जन्म की प्रारब्ध लेकर के जन्म लेती हैं, और वो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है अगले जन्म में ऐड हो जाता है। तो ऐसी आत्माएं पुरुषार्थ में एडवांस जाएंगी या पीछे रह जाएंगी, एडवांस जाती हैं। परंतु यज्ञ के आदि से ही वो आत्माएं तो निकल गई, फिर कौन सी आत्माओं का जखीरा बचता है? कहेंगे चंद्रवंशियों, इस्लाम वंशियों, बौद्ध क्रिश्चियन सिख आदि धर्मों का जखीरा बच जाता है। उन आत्माओं की पालना सन 47 से ब्रह्मा माता की गोद में होती है। बाप का प्यार उन आत्माओं को नसीब नहीं होता है, मां की ही पढ़ाई नसीब होती है। बाप की पढ़ाई जमीन को जमीन के गड्ढे में खोद करके गाड़ दी जाती है। ब्रॉड ड्रामा में इसका कोई प्रूफ मिलता है? हिस्ट्री में, हिस्ट्री में प्रूफ मिलता है। मुसलमानों ने भारत के शास्त्रों को जमीन में गाड़ दिया, फाड़ के।
नदियों में फेंक दिया। आग में जलाई दिया, खत्म कर दिया। तो ये शूटिंग आज में ही होती है, परंतु ज्ञान तो सच्चाई है, सच्चाई को ज्ञान कहा जाता है या झूठ को ज्ञान कहा जाता है? फाड़ने से, खोद के गाड़ने से, जलाने से कभी सच्चाई खत्म हो सकती है क्या? गीता में तो लिखा है नासते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। माना सच्चाई का कभी नाश नहीं होता है और अज्ञानता कभी टिकती नहीं है। तो कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ भागता रहता है और सच्चाई, सच्चाई एक टाइम ऐसा आता है सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। तो सन 47 से ब्रह्मा के द्वारा मानवीय सृष्टि की परिपक्वता का फाउंडेशन डाला दिया। जो मनुष्य बाद में इस्लामी बनते हैं कन्वर्ट होकर, बौद्ध भी बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, सिख बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, परंतु ब्रह्मा की गोद में पालना लेने वाले कुखवंशावली ब्राह्मण, कुख किसको कहा जाता है? कुख माने गोद। तो ब्रह्मा की गोद की पालना लेने वाले मानवीय सृष्टि का फाउंडेशन डालने वाले ब्राह्मण है। मनुष्य सदैव क्या होते हैं? विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? क्या वो आत्माएं सतयुग में त्रेता में जन्म नहीं लेती? सतयुग में जन्म लेती है या नहीं लेती है? है? तो वहां भिकारी होते हैं? भिकारी तो नहीं होते हैं, उनके वो विपरीत कर्म आत्मा में मर्ज होकर के रहते हैं। बल वहां भिकारी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कोई बीज होते हैं, किसी मौसम में फल देते हैं, कोई मौसम में फल नहीं देते हैं, किसी मौसम में उगते हैं, किसी मौसम में नहीं उगते हैं, तो उनकी विकृत बुद्धि सतयुग त्रेता में काम नहीं करती है। जो असली दिव्य आत्माएं हैं उनके अंडर दी कंट्रोल रहते हैं, लेकिन जैसे ही द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, वैसे ही वो विकृत बुद्धि वाली आत्माएं इमर्ज हो जाती हैं और अलग अलग धर्मों का फाउंडेशन प्रत्यक्ष देखने में आता है। अभी तुम तो मनुष्य से देवता बन रहे हो क्या? अभी मनुष्य हो या देवता हो? देवता। अभी क्या हो? अभी मनुष्य क्यों हो? मन रूपी ब्रह्मा की औलाद क्यों हो? है?
हजार वर्ष से उन विकृत बुद्धियों के संग के रंग में आते रहे, जिनकी संख्या इस संसार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही। तो ये संसार द्वापर युग से काजल की कोठरी हो जाता है, इसलिए गायन है काजल की कोठरी में कैसो उसे आनो जाए, एक लीक काजल की लागी है पहलागे। सभी आत्माओं को चाहे कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं क्यों न हो, उनको संघ का रंग जरूर लगता है, क्योंकि वो आत्माएं हैं, वो कोई परमपिता परमात्मा नहीं है। एक परमपिता ही इस आत्माओं की दुनिया में ऐसी आत्मा कार्य करती है जिसको संघ का रंग नहीं लगता है, बाकी सभी को संघ का रंग जरूर लगता है। तो गायन है संग तारे कुसंग बोरे। अभी तुमको किसका संग मिल रहा है? अभी तुम्हारी बुद्धि को एक बाप का संग मिल रहा है तो नंबर वार। तो अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, अभी मनन चिंतन मंथन करने वाले हो, चलायमान मन वाले हो या देवता हो? चलायमान मन वाले अभी पक्के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। क्या है पक्का निष्कर्ष? ज्ञान का आखिरी न पक्का निष्कर्ष क्या है? सृष्टि के आदि में मैं आत्मा कौन? ये निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं क्या? मैं आत्मा सृष्टि के आदि में कौन सा पार्टधारी हूं जिसका शास्त्रों में गायन है? कौन से ग्रुप में हूं? आठ के ग्रुप में हूं, 108 के ग्रुप में हूं, ब्रह्मा की हजार भुजाएं 1008 के ग्रुप में हूं, 16108 के ग्रुप में हूं या लाख के ग्रुप में हूं? जो मोस्टली रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कम से कम कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1,00,000 शालिग्राम बनाते हैं। तो 1,00,000 के ग्रुप में हूं या 9,00,000 के ग्रुप में हूं, ये पक्का निष्कर्ष पर पहुंच गए? या 500 करोड़ के ग्रुप में हूं, 500 करोड़ की भी तो रुद्रमाला है। पता चला हु एम आई? मैं आत्मा जो पार्टधारी हूं सच रूपी रंगमंच पर, मैं कौन सा पार्ट बजाने वाली हूं? कहेंगे हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सिर्फ देवता धर्म के नहीं, क्योंकि देवताएं तो सतयुग में भी होते हैं पहले जन्म में, लेकिन उनको आदि सनातन देवता नहीं कहेंगे। पहले जन्म में जो देवताएं होते हैं जैसे राधा कृष्ण, उनको भी जन्म देने वाले कोई होते हैं या नहीं होते?
वो उनसे भी ऊपर की पीढ़ी हो गई। तो तुम मनुष्य से ऐसे पक्के देवता बनते हो जिनको यहाँ इसी जीवन में पता चल जाता है कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा पार्ट बजाने वाली हूँ। अब मनुष्य हो तुम, कहते हो कि मैं मनुष्य हूँ, मानते हो कि देवता नहीं हूँ। तो मनुष्य में ज्ञान होता है, 100% ज्ञान होता है, अपनी आत्मा का पूरा ज्ञान होता है नहीं? मनुष्य में ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको मनुष्य कहा जाता है। यदि मनुष्य में ज्ञान है क्या, अगर कोई कहे कि मेरे में ज्ञान है, माना क्या है? माना वो स्वीकार करता है, हुए माई, मैं कौन हूं, इसका स्पष्ट जवाब होना चाहिए। तो यदि मनुष्य में ज्ञान है तभी उसको देवता कहा जाता है। और देवताएं कितने हैं, कितने देवताएं गाए जाते हैं? 33 करोड़ देवताओं की सृष्टि है, देवी देवता सनातन धर्म की, जो सतयुग से आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक आदि सनातन देवी देवता धर्म को पक्के फॉलो करने वालों की सृष्टि बढ़ती ही रहती है, जैसे और धर्म वालों की बढ़ती है। परंतु देवता तभी कहा जाएगा जब उनमें ज्ञान है। परंतु फिर ज्ञान कौन सा ज्ञान? विवेकानंद भी आकर के ज्ञान सुनाते थे, और विवेकानंद का गुरु रामकृष्ण भी ज्ञान सुनाते थे, गांधी गीता भी है, गांधी ने भी ज्ञान सुनाया, मुख से कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर गीता का भगवान कौन बताते थे है? गीता का भगवान कृष्ण। अरे ज्ञान किसको कहा जाता है? सर्वशास्त्रमय शिरोमणि ग्रंथ कौन सा है? तो गीता ज्ञान दाता कौन है? कृष्ण है। अगर बुद्धि में बैठा हुआ है गीता ज्ञान दाता कृष्ण है, यह कृष्ण की आत्मा का संगम युग में साकार रूप है, वही गीता ज्ञान दाता भगवान है। तो सच्चाई बुद्धि में बैठी है क्या? एक तो पहचान को भी ज्ञान कहा जाता है, अपनी आत्मा की पहचान, आत्मा के बाप की पहचान बुद्धि में होनी चाहिए, एक्यूरेट। आजकल जेब में पहचान पत्र रखते हैं ना, रखते हैं, क्या पहचान होती है उसमें?
नाम होता है, बाप का नाम होता है। एक तो नाम होता है और बाप का नाम होता है और पूरा एड्रेस होता है और चेहरे का पूरा खाका होता है। एक का चेहरा मिले ना दूसरे से देवता है रायल बुद्धू होता है, तो ज्ञान कैसे उनमें आए? कौन रायल बुद्धू होता है? देवताओं में ज्ञान नहीं होता, ये नहीं कहा कि देवताओं में ज्ञान होता है। ये तो यहाँ ज्ञानी की पहचान बताई। ज्ञान माने पहचान, काय की पहचान? अपनी आत्मा की पहचान, आत्मा के बाप की पहचान। ऐसे नहीं बेसिकली बता दिया मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वो तो शास्त्र में भी बताया है। अणोअणीयं सम्मन स्मरेति, आत्मा अणु रूप है, बिंदु है, तो पहचान पक्की हो गई? क्यों नहीं पक्की हो गई? आत्मा बिंदु नहीं है क्या? हाँ, आत्मा है तो सभी बिंदु है। कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी बिंदु है, तो क्या पक्की पहचान हो गई? हुए माई की पहचान हो गई? नहीं हुई। तो पता चले कि हमारी बिंदु रूप आत्मा में कौन सा कैसा कैसा जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट भरा हुआ है, किस युग में किस जन्म में हमने क्या क्या पार्ट बजाया। आत्मा पार्टधारी है, रंगमंच पर भांति भांति के शरीर रूपी वस्त्र बदल करके पार्ट बजाती है। और पार्टधारी को ये ज्ञान ही न हो कि मैंने कौन सा पार्ट बजाना है, कौन सा वस्त्र पहनना है, तो उसे होशियार पार्टधारी कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? बेवकूफ पार्टधारी है। तो हम सब अभी क्या है, क्या है? कहते तो हैं हम आत्मा पार्टधारी हैं, लेकिन है बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे पार्टधारी हैं या बुद्धू पार्टधारी हैं? हैं बुद्धू पार्टधारी हैं। दुनिया के सामने कहेंगे? दुनिया के सामने नहीं कहेंगे, दुनिया के सामने इस पॉइंट को बचा लेंगे, छुपा लेंगे। तो बाप कहते हैं एक तो पहचान को ज्ञान कहा जाता है, अपनी भी पहचान और अपने बाप की भी पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसको भी ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि भगत तो नहीं जानते हैं क्या, अपनी आत्मा को भी नहीं जानते और अपने बाप को भी नहीं जानते, और जिस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं उसके आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। ये दादा भी तुम्हारे साथ कहते हैं ना, क्या ये दादा जिनके बाजू में मैं बैठा हूं, कौन बोल रहा है? शिव बाप ब्रह्मा दादा के बाजू में बैठा है, उसको दादा क्यों कह दिया है? बड़ा भाई किस आधार पर है? हाँ, जो भी मनुष्य सृष्टि या देवताई सृष्टि है उस सृष्टि का पहला पत्ता है, इसलिए बड़े भाई को दादा कहा जाता है। कहते हैं ना बड़ी दादागिरी झाड़ते हो,
बहुत दादागिरी दिखाई रहे हो। तो दादा है तब तो दिखाई रहा है ना, तो ये दादा भी तुम्हारे साथ कहते हैं कि तुम और हम, तुम और हम और सब जो भी है, उस समय जिस समय वाणी चल रही थी, किस समय की वाणी है? 64 की वाणी है। 69 में रिवाइज हुई है। तो बोला कि तुम और हम जो भी हैं, उनमें ज्ञान तो था ही नहीं। इसमें किसने बताया? तुम किसके लिए कहा और हम किसके लिए कहा और सब किसके लिए कहा? शिव बाबा जब वाणी चलाते हैं ब्रह्मा के मुख से, तो जिनको तुम कहते हैं वो 64 में मौजूद थे? हाँ, मौजूद नहीं थे, परंतु बाबा उन बच्चों को इमर्ज करके कहते थे कि तुम और हम। हम किसने कहा है? ब्रह्मा बाबा ने। और तुम किसके लिए इंट्रोड्यूस किया? राम वाली आत्मा के प्रति। और सब जो भी वहां बैठे थे सब के लिए कहा। तुम में, हम में और सब में ज्ञान तो था ही नहीं, क्योंकि ज्ञान होता तो रिजल्ट क्या आता है? अरे ज्ञान से कुछ रिजल्ट आता है या नहीं आता है? ज्ञान से सदगति, बुद्धि की सदगति होती है और मन की भी सदगति होती है। और जब मन बुद्धि की सदगति होती है तो इंद्रियां भी सन्मार्ग की तरफ जाती हैं। जो भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये किसके कंट्रोल में है? हैं? मन के कंट्रोल में रहती है। और मन किसके कंट्रोल में होना चाहिए? बुद्धि के कंट्रोल में होना चाहिए। तो मन से बड़ा बुद्धि का पार्ट है। त्रिमूर्ति में मन का पार्टधारी कौन है? ब्रह्मा की सोल। और बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र का पार्टधारी कौन है? शंकर। और बुद्धि जब मन को कंट्रोल कर लेती है तो संसारों में परिवर्तन आता है या नहीं आता है? तो तीसरी है संस्कार परिवर्तन शक्ति। तो तीनों प्रकार से होता है सदगति का पार। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो उन कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, मन रूपी 11वीं इंद्रिय से, बुद्धि से भी कहा जाता है दुर्गति का पार्ट। कब से? कौन से युग से? द्वैतवादी युग से।
इसलिए भक्ति को रात कहा जाता है। रात में रास्ता दिखाई पड़ता है, रात में तो रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ता। साफ रास्ता कौन सा है, सच्चा रास्ता कौन सा है, उबड़ खाबड़ कौन सा है, कटीला रास्ता कौन सा है, गड्ढे में जाने का रास्ता कौन सा है, दिखाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता, तो उसे रात कहा जाता है। यह है अज्ञान की रात। कौन करता है अज्ञान, ये अज्ञान की रात कौन करता है? रावण। अरे सूर्य तो ज्ञान का दिन करता है। सब कहते हैं सूर्य निकला दिन निकला, सूर्य क्या करता है, है? सूर्य और सूर्यवंशी बच्चे ज्ञान का दिन, रोशनी ज्ञान का दिन कहा जाता है। तो रात कौन करता है, है ब्रह्मा की रात गाई जाती है। क्या कहते हैं, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और रात गाई जाती है या नहीं? तो ज्ञान को दिन कहा जाता है, रात को अज्ञान। ये तो बुद्धि में बैठने के लिए सहज है, ये बात कोई की भी बुद्धि में बैठ सकती है। क्या, ये दिन किससे आता है, है? ज्ञान सूर्य से दिन आता है, और रात किससे आती है, है? ज्ञान चंद्रमा उदित होता है, और ज्ञान चंद्रमा की रोशनी में जो सितारे झिलमिलाते हैं वो अपनी रोशनी को चंद्रमा में मर्ज करते हैं या मर्ज नहीं कर पाते? ऐसे नहीं है कि सूर्य उदय होता है, दिन में सूर्य होता है तो आकाश में सितारे नहीं होते होंगे। होते हैं या नहीं होते हैं? होते तो हैं। दिन में भी सितारे होते हैं और रात में भी सितारे होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? दिन में जो सितारे होते हैं वो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं, वो ये दिखावा नहीं करते। ये हमारा ज्ञान है। क्या, ये मेरा ज्ञान है, मैं भगवान हूँ। दिन के जो सितारे होते हैं वो सूर्य को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। शिवो अहम कहने वाले नहीं होते हैं। और रात को जो सितारे होते हैं जो चंद्रमा की रोशनी को भी फीका कर देते, झिलमिलाते हैं रात में भी, वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। ज्ञान चंद्रमा को भी गुम कर देते, पीछे कर देते, और सूर्य का तो उनको ज्ञान होता ही नहीं है। मिसाल बताओ, संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन सा मिसाल है जिससे कहा जाए कि ज्ञान चंद्रा की रहबरी में तो वो अपने को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने को ही भगवान साबित कर देते हैं।
अपने को ही शिव की तीन मूर्तियां साबित कर देते हैं। है? बड़े बड़े पोस्टर छपाए जाते हैं, उनमें दीदी दादी दादाओं के फोटो डाल दिए जाते हैं त्रिमूर्ति की जगह पर। तो शिवो हम कहने वाले कौन है? यही हिरण्यकश्यप है जो अपने को भगवान साबित करते हैं। तो बाबा ने बताया ये ज्ञान बुद्धि में बैठना चाहिए कि रात किसको कहा जाता है और दिन किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय और किसी की बुद्धि में ये ज्ञान बैठ नहीं सकता, और दैवी गुणों की धारणा भी नहीं हो सकती है। ज्ञान ही नहीं बैठेगा तो दैवी गुणों की धारणा भी नहीं होगी, क्योंकि यहां भी देखते हो जो ज्ञान की धारणा करते हैं उनकी चलन देवताओं जैसी बन जाती है। देवता नहीं बन जाते हैं लेकिन उनकी चलन देवताओं जैसी देखने में आती है। क्या उनको लाल पीली आंखें करते हुए देखेंगे? देखेंगे नहीं देखेंगे? उनको जोर जोर से चिल्लाते हुए डकराते हुए देखेंगे? है? नहीं देखेंगे। उनको दूसरों की बेइज्जती करते हुए देखेंगे? अच्छा, मुख से गालियां बकते हुए देखेंगे? नहीं देखेंगे। उनमें देवताओं जैसी धारणा देखने में आती है। जिनमें कम धारणा होती है वो फिर मिक्सचर हो जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो पूरा असुर हैं, नहीं। यहां ब्राह्मणों की महफिल में आ गया, बाप के सन्मुख आ गया तो फिर उनको असुर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो है ही। इसकी बात है। अरे ज्ञान की बात है। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान बाप से आता है। तो ये हमारे बच्चे हैं दैवी गुणों वाले, और वो जो मेरे बच्चे नहीं है वो इन बातों को मानते नहीं है। क्या फर्क है? कैसे पहचानेंगे कि कौन दैवी बच्चे हैं और कौन आसुरी? जो बाप को जानते हैं मानते हैं, चलो चल नहीं पाते है वो कोई बात नहीं, लेकिन मानते तो आगे चल के समझा जाता है सुधर ही जाएंगे। तो मानते नहीं है तो फिर वो बाप के बच्चे देवता नहीं है, धारणा भी नहीं कर सकते। ये भी कहते हैं कि वो नहीं है बाप के बच्चे। बाप के बच्चे तो हैं, तो उनकी पहचान क्या होगी जो मिक्सचर हैं? हैं? ज्ञान की एक बात मानेंगे दो बातों को नहीं मानेंगे। साफ कह देंगे मैं इस बात को नहीं मानता। जो पक्के देवता होंगे बनने वाले वो बाप की बोली हुई हर बात मानेंगे। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। तो ऐसे मिक्स धारणा वाले
जो श्रीमत की आधी बातों को मानते हैं और आधी बातों को नहीं मानते, मानने से भी इनकार कर देते हैं, वो मेरे बच्चे तो हैं लेकिन मिक्सर बच्चे हैं, उनको असुर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि है ही इसकी बात, ये हमारे बच्चे हैं दैवी गुण वाले, और वो जो मेरे बच्चे नहीं हैं वो मानते नहीं है, तो फिर मेरे बच्चे नहीं है, ये भी कहते हैं नहीं है, वो बाप नहीं मानते, क्या वो बाप को नहीं मानते तो बाप बच्चों को नहीं मानते है? वो बाप को नहीं मानते तो बाप उनको अपना बच्चा नहीं मान, और जब बच्चा नहीं मानते तो वर्षे का हकदार मानेंगे? बाप का वर्षा है ही स्वर्ग, जीवन मुक्ति ये बाप का वर्षा है, क्योंकि वो गालियां देते हैं, क्या बाप को नहीं पहचानते हैं तो क्या करते हैं, बाप को गालियां देते हैं, कच्ची कच्ची गालियां देते हैं, ये कच्ची कच्ची और सच्ची सच्ची क्या होता है, है? कच्ची गालियां क्या होती हैं? हाँ, पक्की और कच्ची, तो वो कच्ची गालियां देते हैं। अभी तुम समझ तो सकते हैं कि बरोबर जब ये मनुष्य हैं, मनुष्य हैं तो भगवान को गाली देते हैं, जब मनुष्य ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना बंद कर देते हैं, गालियां देना बंद हो जाती है, फिर ब्राह्मण कुल से भी नीचे कभी गिरते हैं या गिर सकते हैं या नहीं है? ब्राह्मण कुल से भी कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो गालियां देने लग पड़ते हैं, गालियां बंद हो जाती हैं तो देवता बन जाते हैं, तो दिन में सदैव ये ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्या कहा? जो दिन में हैं उनकी पहचान क्या बताई है? जो भी ज्ञान सागर है, क्या है ज्ञान सागर? बाप है, तो बाप का विचार सागर मंथन करेंगे। अरे बाप क्या है, क्या है? कहेंगे बिंदी है। अरे बिंदी तो सभी है, क्या है बाप, क्या है वो सागर? जड़ सागर तो नहीं है, चैतन्य सागर है, तो क्या है, है? नहीं, वो ज्ञान का सागर कहा जाता है, अज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। भगवान बाप क्या है? ज्ञान ही तो है, ज्ञान किसको कहा जाता है? सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य को कहा जाता है,
भगवान जो आकर के सुनाते हैं वो सत्य ही सुनाते हैं, उसमें 1% की भी झूठ की मिक्सरिटी नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स हमेशा अपने ज्ञान को उन्नति में लाते रहते हैं, अपना भी विचार करते रहते हैं, माना अपना विचार करना माना नहीं, अपनी आत्मा के पार्ट का भी विचार करते रहते हैं, मैं आत्मा कौन। तो तुम बच्चों को भी विचार सागर मंथन करना चाहिए, जबकि ज्ञान तुमको मिलता रहता है तो उसको कहा ही जाता है विचार सागर मंथन करने से उनमें से कुछ अमृत निकलेगा, मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या सार निकलेगा? जो सार लेकर के तुम स्वर्ग में जावेंगे है आत्म की स्थिति लेकर जावेंगे। तो अपन को देखना है मैंने कहां तक विचार सागर मंथन कर लिया, कितना सार रूप में टिकता हूं, या दुनियादारी के मंथन में टिकता हूं। ओम शांति।